इम्पोर्टेंट तरक्कियां और तबादले हुए हैं जो आईएसपीआर की जानी से एलानिया जारी किया गया। डीजी आईएसपीआर ने यह बताया है कि जो पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट्स हुई है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर मुकर्रर है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची मुकर्रर किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बावलपुर मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जिनको अब से कुछ देर पहले ही तरक्की हुई है उन्हें कमांडर सदर कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली कमांडेंट एएसएफ सी की के तौर पर पोस्टिंग की गई है। जो अपॉइंटमेंट्स नहीं की गई है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स मुकर्रर किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान को इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन मुकर्रर किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हयात मिलिट्री सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जी यकीनी तौर पर यह मामूल की कार्रवाई है। पाक फौज में तरक्की और तबादलों का एक निज़ाम मौजूद है, उसी निज़ाम को फॉलो किया जाता है और क्योंकि 3 से 4 लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तकरीबन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने रिटायर होना है, जो रिटायर हो जिनकी रिटायरमेंट डेट्स बिल्कुल करीब है अगले चंद दिनों में होनी है उनकी जगह नई नॉमिनेशन कर दी गई हैं और जो रिटायरमेंट अब से कुछ दिनों में होंगी जो बाकी रह गए अफसर उनके हिसाब से फिर वो अपॉइंटमेंट की जाएंगी। जी।